और जनाब वो घर पे जाके क्या देखती है, उसने फोटो लगाए हुए मिरर के हर जगह फोटो लगाए हुए हैं। अब ये कौन सा सवाल है भाई, ये कौन सा सवाल है फोटो लगाने का, ये कौन सा प्यार इश्क है भाई, पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट्स हो और फोटो लगाए हुए हैं तकरीबन, और मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई वो कब बेवफाई होगी, कब इनका दो चीज़ें जैसे मैंने बताया, कब इनका जो असाइनमेंट जो है एग्रीमेंट है वो टूटेगा, उनकी कुछ ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, बस वो कुछ कोई समझ नहीं आ रही, बस उधर एक टोटे जादू और घर से भाग जाऊँ और कोई मतलब लेवल नहीं है यार। बहरहाल लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको नापसंद किया है, बाहर लोग फिर भी देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, टाइम पास आखिर पाकिस्तानी कौम ने करना ही है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे नदीम खिलजी कहते हैं। दोस्तों आज का ये जो हमारा जो व्लॉग है ना, ये बिल्कुल एक रूटीन से हटकर है। आपको पता है मैं जो बेसिकली जो अपने व्लॉग्स बनाता हूँ वो पॉलिटिक्स के ऊपर बनाता हूँ या फिर दूसरे अपनी जो सर एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर बनाता हूँ, लेकिन दोस्तों आज हम जो व्लॉग बनाएंगे वो एक ड्रामे के ऊपर बनाएंगे। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो है ना एक ड्रामा बहुत ही हिट्स पे चल रहा है, टॉप लिस्ट पे चल रहा है, ट्रेंडिंग पे है, और वो ड्रामा है तेरे बिन। और मेरे ख्याल में उसको जो है ना करोड़ों लोग एट अ टाइम करोड़ों लोग जो है ना उसको देख रहे हैं पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में देख रहे हैं। तो दोस्तों आज उसी ड्रामे के ऊपर बात करनी है, आया कि ये किस किस्म का ड्रामा है और लोगों की इसके बारे क्या राय है। वैसे तो इसकी एपिसोड तकरीबन 38 हो चुकी हैं, और जैसे ही मैंने ये ड्रामा देखा और स्टार्ट किया, मैंने कोई 4-5 किस्ते मैंने इसे एपिसोड इसके देखे, तो तभी मेरे माइंड में आया यार इसके ऊपर कोई ना कुछ अपना जो है ना एक व्लॉग बनाता हूँ, एक तबसरा देता हूँ, रिव्यू देता हूँ। लेकिन बस आप फिर ख्याल आ ही गया, क्योंकि जब इसके बहुत ज़्यादा लोगों का रिएक्शन आया ना, लोगों ने इसके बारे में पोस्टें की, तबसरे किए, तो सोचा मैं भी जो है ना अपना इसके ऊपर कोई तबसरा पेश करता हूँ। अब आप हैरान होंगे यार कि खिलजी भाई तो ड्रामे भी देखते हैं। हाँ वैसे मैं देखता रहता हूँ, कोई ना कोई एक आध ड्रामा बस मैं देखता ही रहता हूँ, एक आध एपिसोड, ताकि जो है ना बंदा थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाए। तो दोस्तों याद रहे कि ये मेरा दूसरा जो है ना एक तबसरा है इस ड्रामे के ऊपर, मतलब एक दूसरी बार मैं किसी ड्रामे के ऊपर जो है ना अपनी एक व्लॉग बना रहा हूँ। और पहले मैंने बनाया था वो कौन सा था यार, वो पीरज़ादा, वो पीरज़ादा वाला जो है वो कौन सा, वो उसके ऊपर मैंने जो है ना अपना वो भी मैंने ड्रामा देखा है पूरा, तो अभी मेरा वो माइंड से निकल रहा है क्या है उसके ऊपर। बहरहाल मैंने बनाया था कि क्या इंसान जो है ना एक से ज़्यादा लड़कियों से औरतों से मोहब्बत कर सकता है, तो उसको मेरा अनुमान वो था, वो आप लास्ट में एंड स्क्रीन पर आएगा या उसका मैं लिंक दूंगा नीचे, तो ज़रूर वो आप भी देखिएगा। तो खैर दोस्तों हम बात करते हैं, तो बेसिकली दोस्तों इस ड्रामे को ना बहुत से लोगों ने पसंद भी किया, और मज़े की बात ये वाहिद ऐसा ड्रामा है कि लोग बहुत से लोगों ने इसको नापसंद भी किया, इसके जो करेक्टर है इसकी जो स्टोरी है उसको बहुत ज़्यादा नापसंद किया है, लेकिन फिर भी ट्रेंडिंग पे, और ट्रेंडिंग पे सिर्फ जाने की सिर्फ वजह सिर्फ एक ही वजह है, और वो है वो जो मुर्तसिम का जो करेक्टर है, उसका जो गुस्सा है और उसका जो प्यार है, सिर्फ उसकी जो एक्टिंग है, उसका जो अंदाज है, उसकी जो आंखों का देखने का जो स्टाइल है, बस लोग उसके जो है ना फैन हो चुके हैं। बाकी इस ड्रामे में मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, जैसे मैंने इसको पहली किस्त एपिसोड मैंने देखी मुझे अच्छा लगा, मैंने दूसरी तीसरी तकरीबन 4 किस्तें मुझे बड़ी धमाकेदार लगी, अच्छी लगी, तो उसके बाद दोस्तों मैं फिर बोर होना जो शुरू होता गया। तो खैर आप एपिसोड पहुँच चुके 38 के ऊपर, तो खैर कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं इसमें, अभी मैं दोस्तों वो पॉइंट्स आपको उसको फर्दर इसको हम डिस्कस करते हैं, तो वो आपके सामने डिस्कस करते हैं ताकि आपको पता चले कि बेसिकली इस ड्रामे में क्या है क्या नहीं है। दोस्तों एक तो हमारा पाकिस्तान का वही कल्चर है ड्रामों वाला कि वही जो है ना मर्द औरत की मोहब्बत, तलाक और सास बहू के झगड़े, इन चीज़ों से हम निकले ही नहीं है, इश्क मशूकी से हम नहीं निकले अभी तक, पता नहीं हम दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और ये हमारा जो मुल्क पाकिस्तान अभी तक वही ट्रेंड चल रहा है। तो खैर दोस्तों इसके अंदर बेसिकली जो है ना तीन औरतों का करेक्टर है, सर उन औरतों की बात कर लेते हैं, जिसमें एक मीरब साहबा है और एक हया है और एक मरियम है, तीनों जो है ना कोई यकीन करें इंतहा दर्जे की बेवकूफ़ है। उससे पहले अगर हम मीरब की बात करें तो जनाब बेसिकली तो ये एक मेन रोल तो मीरब का ही है, लेकिन अगर आप देखें तो ये खुद को जो है ना अपने आप को बड़ी खुद मुख्तार, आज़ाद, समझदार, पढ़ी लिखी और जो है ना खातून तो सफ़र करती हैं, लेकिन है इंतहाई कोई जाहिल किस्म की, मतलब कोई बेवकूफ़ भी है और ढीठ इंतहाई ज़िद्दी भी है, इसको किसी की कोई मोहब्बत, जैसे वो मुर्तसिम खान है उसकी कोई मोहब्बत शब्बत कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और सबसे अहम बात, मैंने जैसा कि आपको बताया कि चार जो एपिसोड थे वहाँ तो कुछ उसमें दम खम नज़र आया, उसके बाद वो ही चल रहा है कि इनमें टसल चल रही है मीरब में और मुर्तसिम में, 38 एपिसोड हो गए
34 एपिसोड गुजर चुके हैं आगे भाई, उनमें टसल चल रही है। और पहले दिन की जब शादी हो रही थी तो इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जो मीरब साहब है, और एग्रीमेंट भी क्या है जी, खुद ही एक एग्रीमेंट ही बड़ा अजीब किस्म का है, कोई स्टाम्प पेपर पे नहीं है, कोई बकायदा मौजूदगी लोगों में नहीं है। इन दोनों ने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया है कि आप जो है ना मुझे छू नहीं सकते। तो मैं हैरान हुआ, देखिए एग्रीमेंट बड़ा अजीब सा है, एग्रीमेंट चले हो गए और उसके बाद जब इतना अरसा गुजर गया इतनी किस्तें चली गई हैं और अभी तक वो एग्रीमेंट उनका टूटा नहीं है। हालांकि लग रहा था जो मुर्तसम की जो मोहब्बत है, जिसका प्यार है, वो ऐसे लग रहा था बस ये एक दो दिनों में एग्रीमेंट टूट जाना था, टूट जाएगा और हो टूट भी जाना था, और उधर उसकी भी हिम्मत है दोस्तों, वो एग्रीमेंट तो टूट जाना था। मैं हैरान हूँ मुर्तसम की हिम्मत को दाद दे रहा हूँ कि वो अभी तक जो है ना उसने जो है ना बस मैं क्या कहूँ। तो आगे जो वो मीरब साहबा है, अजीब सा एग्रीमेंट है भाई, इतने एपिसोड चल गए एग्रीमेंट ही टूट रहा भाई। उसके लिए मुर्तसम जो है उसके अपनी जान तक कुर्बान कर देता है, वो उसके लिए उसके आगे आ जाता है, एक्सीडेंट हो पता नहीं क्या कुछ करता है, उसकी जो जायज़ नाजायज़ बेजा हर किस्म की उसकी जो है ना तारीफ करता है, उसकी सपोर्ट करता है, लेकिन फिर भी जो है ना उसको वो असर ही नहीं हो रहा, उसकी कोई वो एग्रीमेंट वाला कोई सीन नहीं है भाई। और मुझे मैं सच कहूँ तो मैं तो उस 38 एपिसोड तक इस वजह से पहुँच गया हूँ भी उनका एग्रीमेंट भाई कब टूटेगा। और दूसरी बात, उसमें जो सॉन्ग चल रहा होता है, वो सॉन्ग क्या चल रहा होता है जी, मैं तेरा भ्रम तोड़ दूंगा, बेवफाई करके दिखाऊंगा, पता नहीं क्या करके दिखाऊंगा वो। अच्छा मैं सच में मुझे ये चीज़ लेकर जा रही थी कभी वो कब जो है इनका भ्रम टूटेगा, कब वो बेवफाई करेगा, क्योंकि गाने में जैसे भी सॉन्ग चल रहा है ना कि मैं बेवफाई करके दिखा दूंगा, तो ऐसे जो है ना लग रहा था कि वाकई इसने मीरब ने उसने जो मुर्तसम है एक बार इसको छोड़ेगा। और मेरे ख्याल में शायद वो अभी तक तो वो सीन आया नहीं है, और मेरे ख्याल में अब आने ही वाला है, तो हो सकता है अगली एक आध किस्त में वो आ जाए कि वो उसको छोड़ दे मीरब को, ये क्या हो क्या ना हो। जब आ जाते दूसरी औरत है वो हया, हया क्या है जनाब, ये तो सीधी सीधी साइको नजर आते, बिल्कुल सीधी सीधी साइको। और क्या करती है जी इसमें टोटके वगैरह जादू टोने, यार ये कौन से सदी में आप रह रहे हो यार, जादू टोने वाला कोई दौर है, बड़ी अजीब है वो, घर में क्या जलाई जा रही है, पता नहीं क्या जला रही है, इंतहाई ऐसे लग रहा है कोई हम कोई हज़ार साल पहले वाली पता नहीं कौन सी सदी की हम कोई जो है ना कोई ड्रामा देख रहे हैं। उसके बाद जनाब वो एक और लड़की मरियम है, वो ही माशाल्लाह उसको पता ही नहीं है उसको किसके साथ जो है ना प्यार हो जाता है, इश्क हो जाता है, इश्क में पागल हो जाती है, घर से भागने को तैयार हो जाती है। अब देखो कितना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ड्रामा है, वो घर से भागने को तैयार है, मतलब किस दौर में हम जी रहे हैं, वो कह रहे जी मैं घर से भाग जाऊँगी, इतना बड़ा मतलब ये कि ड्रामा किस किस्म का है यार, आपको कोई बैकवर्ड अजीब किस्म का कोई ड्रामा है, कोई मज़ा नहीं आया मतलब जो है ना। अच्छा आगे से जब पता चलता है, हालांकि वो उसको प्यार होता है उसके जो मुर्तसम का, उसके भाई का दुश्मन है, जो उनका ख़ानदान का दुश्मन है, जो बदला लेना चाहता है, उसे बदला लेने के लिए वो मुर्तसम की बहन से मतलब मरियम से जो है ना वो इश्क करता है, उसको फंसाता है। अच्छा सबसे अहम बात, बड़ी मज़े की बात जो है, वो जो दुश्मन जो है, जो उससे जो प्यार का दावेदार है, वो रात को उनके घर मिलने आ जाता है, मतलब रात को अक्सर मिलने आता रहता जाता रहता है, और घर में उनके 5 गार्ड होते हैं, और एक बार तो वो जो मीरब उनको देख लेती है, और वो खड़े हैं मजे से गुफ्तगू कर रहे हैं ऐसे ग्राउंड के अंदर, सहन के अंदर, और किसी गार्ड को कुछ नज़र नहीं आता, कितनी बेवकूफाना जो है ना एक हरकत है, कोई मतलब इसमें कोई सच्चाई सदाकत कोई इसमें कोई नज़र ही नहीं आ रहा, कोई इसके अंदर कोई जो है ना कोई नेचुरल कोई चीज़ हो, कोई मेच्योरिटी हो, बच्चों वाला मतलब एक जो सीन बनाया हुआ है। अब इस मौजूदा दौर में अब वो उसका मुर्शिद पूछता है भी आपको किस कौन है वो बंदा, वो अनस कौन है, वो मलिक ज़ुबैर जो होता है वो अनस कौन है, तो वो उसको ढूंढ के तो फिर रहे हैं, कभी वो उसको किसी कोठे पे चले जाते हैं, कभी किधर चले जाते हैं। ओ भाई मोबाइल का दौर है, इतना अरसा है, मॉडर्न दौर है, आपने कोई पिक्चर बनाई होगी, तस्वीर बनाई होगी, आप उसको मिल रहे हैं, दिन को ही मिल रहे हैं, रात को ही मिल रहे हैं, और सब कुछ हो रहा है, ये कौन सा ज़माना है कि आपके मोबाइल में उसकी पिक्चर भी नहीं है, कि इतना मतलब कोई इसमें हकीकत ही नज़र नहीं आती। इसके अलावा जनाब मीरब अपने आप को बड़ी फनकार तो समझती है, बहुत आज़ाद पसंद, उसको जो है ना वो एक लड़का जो है एक वो उसका क्लास फेलो जो होता है वो उसको एक बार कहता है जी मुझे तुमसे प्यार है, और वो जनाब उसको ज़बरदस्ती घर ले जाता है और चली जाती है, और जनाब वो घर पे जाके क्या देखती है, उसने फ़ोटो लगाए हुए मीरब के हर जगह फ़ोटो लगाए हुए हैं, और ये कौन सा सवाल है भाई, ये कौन सा सवाल है फ़ोटो लगाने का, ये कौन सा प्यार इश्क है भाई, पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट्स हो और फ़ोटो लगाए हुए हैं यार, तो ये तो वही ज़माना आ गया ना, ख़त जो होते थे ना हम ख़त छुपा के रखते थे, या उसने ये मेरी महबूबा ने ये ख़त भेजा है, मेरे महबूब ने आज ये ख़त भेजा है, और फ़ोटो लगाए हुए हैं, और बस यार। बाकी माँ बेगम उनका किरदार बहरहाल अच्छा है, नॉर्मल था, ठीक था, अच्छा रहा था, पर मुर्तसम वाला जो किरदार लोगों ने पसंद किया है, मैं अगर आपको सीधी बात कहूँ उसको पसंद किया है, और लोग उसी वजह से ड्रामा देख रहे हैं, बाकी इंतहाई बोरियत है। मैं सच कहूँ तो मैं भी अभी 38 तक 37 किस्तें मैंने देख ली हैं,
तकरीबन, और मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई वो कब बेवफाई होगी, कब इनका दो चीज़ जैसे मैंने बताया, कब इनका जो असाइनमेंट जो है एग्रीमेंट है वो टूटेगा, उनकी कुछ ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, बस वो कुछ कोई समझ नहीं आ रही, बस उधर ही एक टोटे जादू और घर से भाग जाऊँ, और कोई मतलब लेवल नहीं है यार। बहरहाल लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको नापसंद किया है, बहरहाल लोग फिर भी देखी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं, टाइम पास आखिर पाकिस्तानी कौम ने करना ही है। खैर दोस्तों ये एक रिव्यू था, आपको पता नहीं अब कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, तो खैर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मेरे ख्याल में बहुत से लोग इस ड्रामे को देख रहे होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।